CSS is a designing file, ठीक है। अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिसमें एक कोई भी वेबसाइट है, स्कूल की जैसे वेबसाइट है, तो अगर स्कूल की वेबसाइट में नॉर्मली फॉर एवरी एक्टिविटी देर इज ए वन वेब पेज, इफ देर आर 1000 वेब पेजेस इन स्कूल वेबसाइट एंड वी वांट टू मेक चेंजेस, सपोज वी वांट टू चेंज द हेडर, मे बी हेडर इन ब्लू कलर है, आपने स्वामी संता पब्लिक स्कूल इन रेड कलर में करना है, तो इफ योर एम्प्लॉय से चेंज दिस, हियर बेटा, इफ योर एम्प्लॉय से चेंज दिस, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए वेब डिवेलपर टू चेंज द वेब पेज। तो कोई एक ऐसा मेथड जिससे हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं सारी डिजाइनिंग को, तो व्हाट वी कैन डू, वी विल सेपरेट डिजाइनिंग फाइल, बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, वी विल सेपरेट डिजाइनिंग फाइल एंड कोडिंग फाइल। HTML फाइल को अलग कर दो और कोडिंग वाली जो डिजाइनिंग हमने करनी है, किसी फॉन्ट का कलर चेंज करना है, वी वांट टू अप्लाई स्टाइलिश टेक्स्ट हमारे पास अप्लाई करना है, आपने कोई बॉर्डर के बॉर्डर कोई अप्लाई करना है, इट मींस सेपरेट दैट डिजाइनिंग, ठीक है। डिजाइनिंग पोर्शन विल कम अंडर CSS, तो ये CSS का पार्ट है। और प्लस जो आपके पास HTML में आपने उस फाइल को इंपोर्ट करना है, तो हमारे पास जो फाइल क्रिएट होगी वो विद डिजाइन वाली होगी, तो जैसे हम HTML फाइल को ओपन करेंगे, इट विल इंपोर्ट द डिजाइनिंग फ्रॉम CSS फाइल, तो वो CSS फाइल से जितनी भी डिजाइनिंग होगी वो इंपोर्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली HTML में प्रोवाइड कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, we have provide designing in H1, let me close this door, we have provided designing in H1, whenever I will use the coding in HTML aur wahan pe maine kahin pe bhi H1 likh diya, to wo sare ke sare designing kahan se pick karega, CSS mein se, suppose maine yahan pe color define kar diya red, to automatically रेड कलर विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन H1, क्लियर। एंड इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, व्हाट इज कास्केडिंग, इट मींस इट हैज इंपैक्ट मल्टीपल इफेक्ट्स, ठीक है, जैसे एक आपके पास प्लेइंग कार्ड्स है, आप एक प्लेइंग कार्ड को पुश करोगे, बाकी सारे के सारे प्लेइंग कार्ड गिर जाते हैं, जैसे यहाँ एक साइकिल्स खड़े हुए हैं, आप एक किसी साइकिल को पुश करोगे उसका इफेक्ट दूसरे साइकिल के ऊपर होगा, कास्केडिंग इफेक्ट है, ओके। तो CSS थ्री टाइप्स, वन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या है, आप एक फाइल बनाते हो और उस फाइल को आप मल्टीपल वेब पेजेस में इंपोर्ट कर सकते हो, इट मीन दिस टाइप ऑफ योर CSS इज मोर यू कैन से पॉपुलर, क्योंकि इसमें आप पूरी की पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड टाइप, दिस इज कॉल्ड इंटरनल, दिस इज फॉर ओनली, बेटा सिट हियर, दिस इज ओनली फॉर सिंगल वेब पेज, और सिंगल वेब पेज में अगर आपने मल्टीपल टाइम टैग्स यूज किए, सपोज H1 टैग यूज किया है, तो सारे के सारे टैग्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, सिंगल वेब पेज बट कैन बी अप्लाई ऑन मल्टीपल टैग्स। एंड लास्ट वन, this is called inline, so inline style or CSS can be applied only on single tag, ठीक है, सिर्फ एक टैग के ऊपर अप्लाई होता है, और हम इन सभी के लिए स्टाइल यूज करते हैं, स्टाइल टैग इन द केस ऑफ इंटरनल CSS, और जो इनलाइन होती है उसके लिए स्टाइल इज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। मैं इसकी एक थोड़ा सा एक डिफिनिशिएट कर रहा हूं, लुक एट हियर, जब हमने इंटरनल CSS करनी है अंडर हेड टैग, यू विल यूज स्टाइल, देन यू वांट टू यूज कोडिंग ऑन डिजाइन ऑन H1, देन कर्ली ब्रैकेट यू टाइप द कमांड्स, ओके, डिफरेंट कमांड्स आर देयर,
आई एम नॉट टाइपिंग हेयर कमांड्स, तो सिंपल मैं यहाँ पे वैसे लिख रहा हूँ। और उसके बाद स्टाइल टैग यू क्लोज, बट दिस इज हेयर स्टाइल इज ए टैग, बट वेन एवर यू आर यूजिंग इनलाइन, रिमेम्बर वन थिंग, इनलाइन में जो स्टाइल है दैट इज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। इनलाइन में क्या करना है, आपने जैसे कोई सपोज आपने यूज किया हुआ है बॉडी टैग, बॉडी स्टाइल इन डबल कोट्स ऑल द कमांड्स देन कॉमा सेकंड कमांड सेमी कॉलन हेयर देन सेकंड कमांड, ठीक है, लाइक दिस, और डबल कोट्स को क्लोज कर देना है और टैग को क्लोज कर देना है। हियर योर स्टाइल इज एन एट्रीब्यूट, इनलाइन में एट्रीब्यूट है और आपके पास इन जो इंटरनल है उसमें ये टैग है, और स्टाइल जो आपके पास यूज करते हो अगर आप एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर रहे हो तो उसमें स्टाइल यूज नहीं होता। क्लियर हो गया? तो अगर आपने यहां पे हम एक कोडिंग टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट आई विल डिस्कस कि हमने कैसे वर्क करेंगे। ये हमने ऑलरेडी ये कोडिंग हमने डिस्कस की थी कि ऑन सीबीएसई क्लास 10th, ठीक है, इसके ऊपर हमने जो स्टाइल शीट लगाई हुई है दैट इज माय फाइल डॉट सीएसएस। टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल, इनमें से तीनों में से कौन सी है? एक्सटर्नल। जब भी आप किसी फाइल को लिंक टैग से इंपोर्ट करते हो तो इसका मतलब हमने फाइल अलग बनाई है। अगर आपकी एचटीएमएल फाइल में स्टाइल टैग नहीं है या स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं है, इट मींस वी आर यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस। नाउ लुक एट हियर, माय एक्सटर्नल फाइल इज माय स्टाइल माय फाइल डॉट सीएसएस। सो हियर आई एम ओपनिंग माय फाइल, this is my CSS file, I am opening this in in a notepad. Look at here, first of all you will type the tag on which you want to apply the coding designing, theek hai, you can use multiple here, you can use your body comma h1, these are selector, theek hai, is jiske upar aapne apply karna hai. Inside that आपने डिफरेंट कमांड्स टाइप करने हैं। तो हमारे पास ये जो सीएसएस है ये हमारे पास है, हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने कोई बैकग्राउंड लगानी है तो बैकग्राउंड देन हाइफन अंडरस्कोर नहीं लगाना आपने, इमेज देन नेम ऑफ द फाइल विद यूआरएल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एज ए बैकग्राउंड सेट करेगा किसी भी इमेज को, और अगर आपके पास इमेज इमेज का साइज शॉर्ट है, काफी कम है, तो इन दैट केस इमेज रिपीट होगी जस्ट लाइक टाइल्स, ठीक है। तो हम एक क्या करते हैं, एक हम यहां पे वी टेक वन इमेज ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने अप्लाई की हुई है।
Here is a URL is short, but otherwise, agar aap dete kisi website address, that is a universal resource locator. So here, just like that, you can say, otherwise the full form is not defined. But I'm not talking, but please look at here. क्योंकि जो आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ये देखो बेटा, हमने यहाँ पे इमेज, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज में से आई कॉपी दी फाइल नेम एंड इन माय सीएसएस आई अप्लाइड दिस. Now I save this, but I'm not talking. Now in CSS here, look at here, picture change. ये टाइज में आ रही, रिपीट हो रही है. पर अब आपके पास चॉइस है कि रिपीट अगर आपने एक्स एक्सिस में करवानी है या वाई एक्सिस में. इफ आई एम यूजिंग हेयर द सिंपल कमांड हेयर बैकग्राउंड देन रिपीट इक्वल टू रिपीट बोथ साइड x एक्सिस y एक्सिस. सो लुक एट हियर. तो इन केस अगर आपने यहां पे y एक्सिस में करवानी है तो व्हाट यू विल डू हियर y. आई सेव दिस. कई ब्राउजर्स में सीएसएस का वर्क ब्राउजर टू ब्राउजर डिफर कर सकता है. बेटा लास्ट लाइन बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट डिस्कस विद मी. फिर देख लो, तो आपने यहां पे हमने y एक्सिस अप्लाई किया था पर ये वहां पे वर्क नहीं कर रहा था. तो आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल इन क्रोम. इसकी एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है. इसको बेटा वो ड्रैग करके इसके भी ये भी प्रॉब्लम है इसकी. हमने भी स्टूडेंट्स डू वन थिंग इन क्रिएट एचटीएमएल फाइल एंड अप्लाई दिस कोडिंग. क्योंकि इन हियर इट क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि एक्स एक्सिस में सिर्फ हॉरिजॉन्टली आना चाहिए था, वर्टिकल नहीं आना चाहिए था, पर यहां पे आ रहा है. प्लीज टाइप दिस बेटर. वेट हियर, यहां पे एक एरर है, आपने फाइंड आउट नहीं किए. ये देखो बेटा, अब आपके पास हॉरिजॉन्टली आ रहा है, वर्टिकल नहीं आ रही, रिपीट नहीं हो रही. ठीक है, अगर आप यहां पे इफ यू टाइप हियर
Why? Now vertical, the repetition will be there, but horizontally nahi hoga. So I am saving this. Sorry, okay. And if you simply type here, repeat to both sides, horizontally and vertically. Or agar aap nahi likhte, to repeat repetition nahi hogi. To apply this coding method. Simply copy one image in your desktop and then create the file. यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे जी नहीं था तो इट एचटीएमएल नेवर शो द एरर्स. वेब पेज में आपने इस तरीके से इंपोर्ट करना है. You will use link tag. Remember one thing, in HTML, background tag is attribute is of which tag? Only body tag. But here you can apply this background in anywhere. Aap table mein background lagalo chahe. ठीक है, आप किसी पैराग्राफ में पी टैग में लगा लो. ठीक है, आप यहीं पे भी यूज कर सकते हो इसको. विजिबल बट ये भी मैं लॉन्च कर देता हूं. Yes, online students, any doubt in this? Sir? Yes, Bachche. Sir, why we use link tag here? Beta, for importing CSS file. ठीक है, HTML में हमने CSS file को import करने के लिए we use link tag. Okay, sir. Students applicable beta? Yes, boys complete. Next करें. Sir, जो design है वो CSS के अंदर आता. Which one beta? Design. बेटा ये designing work ही है ना बेटा, ये designing work है, वो CSS का part है. और जब हमने इसको import कर लिया in HTML, तो वो design जो CSS में define होंगे वो apply हो जाएंगे file में. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Okay, next. नेक्स्ट करते हैं. ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये सारे के साथ you are not typing
अपना मेथड टाइप करो, क्योंकि जब आप टाइप करोगे तो देयर विल बी सम एरर्स, ठीक है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। With CSS, dot CSS, okay? Link tag is defined inside the head tag.